ये ना कैप्चा में देखो, बने बने स्क्रिप्ट मेरे पास जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैंने कैप्चा में गया और ये मेरी दो पीडीएफ की फाइलें हैं। अच्छा, कैप्चा इज नॉट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो कैप्चा जो फाइल होती है ना, वो आपके पास वैसे बिल्ड हो जाती है। ये वो फोन है जो कि मैंने यूज़ किया है कैप्चा के लिए। ठीक ठीक है, और ये मेरा वो लाइसेंस है जो कि मैंने नेट से उठाया था। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि जहाँ से भी आपने लेना। अब आपको बहुत से कैप्चर्स मिल जाते हैं, आप उन्हें लेना चाहें, वो आपको पूरे की पूरी कोडिंग देते हैं, जैसे मैं आपको बताने लगा। मैंने कहा जी HTML कंटेंट फॉर्म ही मेरा फॉर्म है। मैंने कहा सेशन स्टार्ट किया, एरर्स वेरिएबल ले लिए, जो भी मेरी वर्किंग थी मैं उसी तरह से चलता गया और मैसेज आ गया। मैंने कहा जी ये पेज कौन सा है, HTML कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट PHP। सो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा क्लिक PHP, इसमें कैप्चा। ठीक है, देखो ये जो हिस्सा जनरेट हुआ ना, ये दरअसल एक PHP का कोड फाइल है। वो मैंने क्या की है, मैंने यहाँ से जनरेट कराई है। एरर्स ये देखो जी, मैंने कहा इफ, ये देखो ये मैंने $ सेशन लेटर कोड का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, ये मेरे पास कैप्चा कोड यहाँ से आया है, ये उसकी कोडिंग है। सेशन स्टार्ट हुआ, एक इमेज लिया, उसकी विड्थ 120x40 है, आप चेंज कर सकते हैं उसमें कितने करेक्टर्स आते हैं, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल बात है। अगर आप खुद कैप्चा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना भी सकते हो। ठीक, इसमें रैंडम का कोड उसने लगाया है, रैंडम से उसने वेरिएबल लफज जनरेट किए हैं और जनरेट करके उसने वो कोड जनरेट करवा दिया है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो उसके फोन चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो वर्किंग आप कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे आ गई, अगर तो गलत भेजता तो कहते थे कैप्चा कोड डज नॉट मैच, आपका कोड मैच नहीं करता। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसिक हाँ करूँगा। पे नहीं पे अब तो मैंने आ गया ना, अब मैंने यहाँ लगा दिया है, ये चेक करेगा स्ट्रिंग कंपेयर, क्या वो 6 करेक्टर कंपेयर हुए हैं, अगर नहीं होता या 0 रिटर्न होता तो फिर ये रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, अगर आपका मैसेज अर्जेंट हुआ है उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी ये फाइल जो डेटा, ये एक फाइल है जो कि मैंने उसके अंदर कॉल करवाई है। ठीक है, अब यहाँ हम अपना डेटा भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते हैं VX2T9FCX लिखा था, कैप्चा डाल दिया, गलत हो गया ना। ठीक है, नाउ ओपन दिस साइड। अब देखो पूरा पूरा वेब पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ये मेरा वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ कैप्चा रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ गया, V6JH73 गो एंड सबमिट। समटाइम्स जो है केस सेंसिटिव का भी बता दो। हाँ, तो केस सेंसिटिव इसमें बताएगा, वो यहाँ पे फंक्शन नहीं है इसका। ये देखो, ये सेशन वेरिएबल से आपका डाटा जनरेट हुआ है, यानी जो उसने 6 कोड जनरेट किए थे, और ये आपका पोस्ट वेरिएबल से वो हो गए जो आपने भेजे। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो वेल एंड गुड, स्ट्रिंग केस कंपेयर मैंने फंक्शन यूज़ किया है, स्ट्रिंग फंक्शंस में आपको मिलेगा। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अगर 1 आ जाएगा यानी कंपेयर नहीं होगा तो 0 आएगा, अगर गैप फर्क होगा तो फिर 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। ये था जी आज आपका PHP का मुकम्मल सेशन जो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो